तीन डिफरेंट केसेस हैं, लेकिन उनको आपस में ऐसे उलझा दिया गया है कि समझ पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं आपके लिए उनको थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जो पहला केस है वो है बॉयज लॉकर रूम का, सेकेंड केस है मानव वॉज इनोसेंट, एंड तीसरा केस है स्नैपचैट स्क्रीनशॉट का। तो जो पहला केस है बॉयज लॉकर रूम, वो एक इंस्टाग्राम के ग्रुप के बारे में जिसमें कुछ टीनेजर्स जो कि साउथ दिल्ली के डिफरेंट स्कूल्स में थे, स्लट शेमिंग, बॉडी शेमिंग, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करना और इस तरीके की सारी चीजें उस ग्रुप में किया करते थे, जिसके स्क्रीनशॉट्स किसी मेंबर ने उन लड़कियों तक पहुंचा दिया जिनके बारे में वहां बात हो रही थी या जिनके न्यूड शेयर हो रहे थे। उन लड़कियों ने इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए उन स्क्रीनशॉट्स को ऑनलाइन अपलोड कर दिया, जो वायरल हो गए। लोगों ने उन लड़कियों को काफी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही उस ग्रुप के मेंबर्स को पता चला, उन्होंने फटाफट वो ग्रुप डिलीट करके अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए और दूसरे ग्रुप बना के, दूसरे फेक अकाउंट्स बना के उन लड़कियों को थ्रेट देने लगे और रेप थ्रेट्स देने लगे उनके डीएम में, उनको अलग अलग तरीके से मैसेज करके। जो उस ग्रुप का एडमिन था उसको अरेस्ट कर लिया गया, उससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बाकी लोगों को भी धीरे धीरे करके ढूंढ के उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी तक जो भी इसके अक्यूज्ड हैं उनको पनिशमेंट नहीं मिली है। स्नैपचैट का स्क्रीनशॉट इस केस से कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है। सेकेंड केस इज मानव इज इनोसेंट। एक लड़की ने अपनी स्टोरी में मानव को, जो कि एक टीनेजर है, अक्यूज किया उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज का। जैसे ही वो स्टोरी लोगों तक पहुंचने लगी, लड़की के जान पहचान के लोगों ने मानव को थ्रेट करना चालू कर दिया, जो प्रेशर मानव डील नहीं कर पाया एंड अनफॉर्चुनेटली ही टुक हिज ओन लाइफ। उसके भाई ने एक पोस्ट डाला ऑनलाइन जिसमें लिखा था कि मानव बहुत इनोसेंट, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, जो कि ऑनलाइन शेयर होने लगा, जिसकी वजह से उस लड़की पे ये एलिगेशन लगाए गए कि उसने झूठ बोला है एंड उसकी वजह से मानव ने अपनी जान ले ली। हु आर वी टू डिसाइड कि उस लड़की ने झूठ बोला है या नहीं बोला है, या मानव गिल्टी था या नहीं था। शायद वो होता और शायद वो गिल्टी ना होता तो ये प्रूव हो जाता। थर्ड केस इज अ स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट, जिसमें सिद्धार्थ नाम का एक लड़का दूसरे लड़के को, जिसका नाम नहीं है उस स्क्रीनशॉट में, साथ मिलके उसकी गर्लफ्रेंड का रेप करने के लिए बोल रहा है। बहुत कुछ कर सकते हैं एंड उसको इस जगह पे इस टाइम पे बुला ले, हम मिलके ऐसा कर लेंगे एंड ये बहुत सही रहेगा। उस दूसरे लड़के ने बहुत ही सेंसिबली उसका रिप्लाई किया, हम करने को बहुत कुछ कर सकते हैं बट हम करते नहीं है। उसने बिल्कुल साफ उस चीज को डिनाई कर दिया जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इंसान से कि वो ऐसा ही करे। लोगों ने सिर्फ वो तीन मैसेज पढ़े गिनती के और अपना खुद का एक नैरेटिव बना लिया और उसे बॉयज लॉकर रूम के साथ जोड़ दिया। इन लोगों का बॉयज लॉकर रूम के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि जो सिद्धार्थ नाम का लड़का है, कोई लड़का नहीं है, ये एक लड़की है जो इस दूसरे लड़के का कैरेक्टर टेस्ट करने के लिए उसने ये ड्रामा किया। वो लड़की एक माइनर है और उसको एक बचकानी हरकत बताकर छोड़ दिया गया है। टीनेज में आप किसी लड़के का कैरेक्टर टेस्ट करने के लिए, रेप के लिए उसको उकसा के देख रहे हो इज नॉट राइट। हम जैसे लोग लड़कियों के लिए लड़ते हैं और तुम जैसे लोग, तुम जैसी लड़कियां उस सारी चीज का गुड़ ओवर कर देते हैं। फिर बोलते हो हमें इक्वालिटी नहीं मिलती, हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलता, कैसे मिलेगा। कहानी तो सुनी है ना भेड़िया आया वाली, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो भेड़िया आता है, जिसके सामने सच में आता है उसकी कोई मानता ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जितने रेप केसेस इंडिया में दर्ज होते हैं उसमें से आधे फेक होते हैं। जो असली रेप केसेस होते हैं ना, वो तुम लोगों की वजह से रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, उन पे एक्शन तो क्या लिया जाए। लोग बिना सोचे समझे जो पोस्ट देखते हैं बस उठा के शेयर कर देते हैं, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो। साफ साफ उस इन्वेस्टिगेशन में लिखा हुआ है कि ये दो केसेस अलग अलग हैं। अगर शेयर करना है तो कम से कम पढ़ तो लो उस चीज को, अपना पॉइंट प्रूव करना है ना। पिछली बार मैंने बोला था बॉयज लॉकर रूम गलत नहीं है, झूठा है, तो मुझे किसी लड़की ने बोल दिया था कि तू ऐसे कैसे कर सकता है। तो जैसे ही ये प्रूव हुआ कि नहीं है तो लड़की ने किया, तो मुझे भी तो उसे प्रूव करना है ना कि नहीं तू गलत थी। अरे भाई, किसी ने वो फेक न्यूज बना दी, किसी ने क्या, बहुत लोगों ने फेक न्यूज बना, थोड़ा तो दिमाग लगा लो क्या न्यूज फैला रहे हो क्या नहीं फैला रहे हो। आपको इन तीनों केसेस से ये पता चलेगा कि एक तो ये टीनेजर्स हैं, सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इससे आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि 14-15 साल के लोग रेप करने के लिए, किसी लड़के का कैरेक्टर चेक करने के लिए न्यूड शेयर करने के लिए, क्या कल्चर चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं इन लोगों के बीच में, कोई इनको मॉनिटर नहीं कर रहा है, कोई इनको समझा नहीं रहा है। चलिए हमें मान लेते हैं ये तीनों केसेस फेक हैं, तीनों गलत है, किसी लड़के ने गलत नहीं किया, किसी लड़की ने गलत नहीं, सब फेम लेने का एक जरिया है। लेकिन मेरे आप लोगों से कुछ सवाल है कि क्या इन तीन केसेस के अलावा किसी लड़की को रेप थ्रेट्स नहीं दिए जाते? सारी लड़कियां इंडिया में सेफ फील करती हैं क्या? लड़कियों की फोटोज एंड वीडियोस के नीचे गंदे गंदे कमेंट्स और उन्हें गालियां नहीं दी जाती क्या? उनके डीएम्स गंदे गंदे मैसेजेस से नहीं भरे होते क्या? लड़कियों के न्यूड्स शेयर नहीं होते हैं? अगर ऐसा होता है तो आप लोग किस चीज को डिफेंड कर रहे हो?
हर कोई ऐसा नहीं होता है. ऑल मैन आर नॉट ट्रैश बट इट इज नॉट अबाउट ऑल मैन. जो फेक फेमिनिस्ट लड़की ऐसा बोलती है दैट ऑल मैन आर ट्रैश वो गलत है. पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम इस वजह से किसी गलत लड़की या किसी गलत लड़की को सपोर्ट करने लग जाए. सिर्फ ये 3 केसेस नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं बट वो सच होते हैं. आप अपने अराउंड ही देखिए. मैं अपना एग्जांपल लूं तो मेरी प्रोफाइल में डेली किसी ना किसी लड़की का ये स्टेटस होता है कि इस अकाउंट में मेरी फोटोज अपलोडेड हैं एंड विदाउट माय परमिशन, तो इसको रिपोर्ट कीजिए. या इस बंदे ने मुझे डीएम में ऐसे ऐसे गंदे गंदे मैसेज किए, मुझे ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहा है, ये इंसान मुझे परेशान कर रहा है, इसे रिपोर्ट कीजिए. आपके सामने है सब कुछ. क्या पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो कि सारे लड़के सही होते हैं? और लड़कियां क्या प्रूफ करने की कोशिश करें कि सारे लड़के गलत होते हैं? कर लो अगर कर सकते हो तो ये चीज को. अनफॉर्चुनेटली ये 3 केसेस एक साथ ही सामने आए, इस वजह से मिक्सअप हो गए और काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया एंड बहुत चीजें उलझ गई. तो ये मेरा थोड़ा सा प्रयास था इन चीजों को सॉल्व करने का, थोड़ा सा सिंपल चीजों को करने का, जितना मैं जानता हूँ आप तक पहुंचाने. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. जो लोग ये चीज बोल रहे हैं कि बॉयज लॉकर रूम फेक था, उन लोगों को प्लीज इस वीडियो की लिंक आप शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके कि नहीं ऐसा नहीं है. और उनको बोलिए कि थोड़ा सा सोच समझ के कोई पोस्ट किया करें एंड थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें कुछ भी बात कहने से पहले.